कंपटीशन एग्जाम में एक नया रूल लागू किया है। यह रूल इस बात पर आधारित है, एग्जाम में बैठने वाले लोग ओएमआर सीट को खाली छोड़ करके आ जाते हैं, उसके बाद उनकी ओएमआर सीट को कोई और ही भरता है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी तब ये 5 विकल्प वाला ऑप्शन लागू किया। इसके अनुसार प्रत्येक प्रश्न को करना जरूरी है, चाहे यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आए या नहीं आए। इससे जो बाद में कॉपी भरी जाती है वो भरने का विकल्प समाप्त हो जाता है। और इसमें ये भी है कि अगर 10% प्रश्न खाली छोड़ दिए जाते हैं तो उनका पेपर रद्द माना जाता है। और यहाँ केवल और केवल नीले पेन से ही गोले भरने हैं और निर्देश आप देख सकते हैं। अब कथन दिए हुए हैं, कथन का सही उत्तर का चयन करना है, दोनों कथन बताने हैं सही है या गलत। पहला कथन, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? पिछोला, डिडवाना, आना सागर, सांभर। राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में समुद्र में निम्न दाब क्षेत्र होता है और स्थल पर उच्च दाब क्षेत्र होता है। समुद्र की हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, उसकी आपूर्ति करने के लिए स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चलने लगती है। प्रश्न नंबर 4 है, अनुनासिक वर्ण है, उ घोष वर्ण है। अब इसमें से कथन का चयन करना है। घोष वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर और ये रे ले वे है। ये सब घोष वर्ण है। तो यहाँ पर है और उ है, यरे ले वे है में आ रहा है, उ स्वर है, तो ये सभी क्या घोष वर्ण है दोनों ही। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, इसमें पहला कथन असत्य है, दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? समर्थन, कार्यव्रत, कार्यसूची, कार्य संपादन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यसूची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कलेजा बांसों उछलना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। विकल्प है आश्चर्य करना, संज्ञा शून्य होना, बहुत प्रसन्न होना, श्रेष्ठ समझना। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत प्रसन्न होना। 7वां क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो विकल्पों में से कृपा, ये कृपा गलत है, कृपा आएगा इसमें कृपा की जगह। प्रयाय, तो प्रा ये भी गलत है। नरक,
सदृश कार्यक्रम, तो ये भी हो सकता है अंधारा भी गलत, लेकिन अब देखते हैं ए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सी और ई, नरक और कार्यक्रम ये शुद्ध है और सदृश डी भी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, फुलेरिन का उपयोग कहाँ होता है? फुलेरिन का उपयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस के शोधन में, ऑप्शन ए, एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है, यानी कि तीन घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, एक घटना प्रकाश के अपवर्तन से नहीं है, तो स्पष्ट आकाश का नीला रंग दिखाई देना ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य और एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ये सब क्या है प्रकाश अपवर्तन से संबंधित है। नंबर 11, रानीगंज कोल फील्ड पश्चिम बंगाल में स्थित है। खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो खेतड़ी खेतड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू में। खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बीकानेर, तो बीकानेर में खेतड़ी नहीं है, खेतड़ी झुंझुनू जिले में है। कौन सी खारे पानी की मछली नहीं है, पर्च लॉच रोहू मीठे पानी के, पैम्पोन खारे पानी की मछली है। इंदिरा गांधी नहर कौन कौन सी नदियों पर बनाई गई है, ब्यास और सतलज नदी पर बनाई गई है। राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% उत्पादन करता है। नंबर 16, किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम राज किसान जैविक ऐप, ऑप्शन डी, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया, 2022-23 में। पत्र में मैत्रीपूर्ण भाव निहित होते हैं, सरलता संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है, दोनों ही ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन के लिए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। 1947 में भारत का जन्म हुआ, बहुत ही जटिल परिस्थितियों में, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ जैसा भारत में हुआ था, तो ये दोनों कथन सही है। किस राज्य को असम में से अलग किया गया था, आसमान से मेघ को अलग किया गया, तो आसमान से मेघालय, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा, निर्धनता का सामना करना पड़ा सबसे। 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई थी, जोसेफ नियोल पैटोन के द्वारा लिखी गई, जोसेफ नियोल पैटोन इन मेमोरियम पेंटिंग। 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति को सुधारने के लिए।
पुंछी आयोग केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित है। पुंछी आयोग केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित है। प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी कमला बेनीवाल, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वैध विस्तार के रूप में नहीं है? रार, मिड, वेव और MP3 ऑडियो फाइल के हैं। परिवर्तित कीजिए, 101110 का आधार 2 है, इसका आधार 8 बनाना है, तो इसका सही हो जाएगा 56, 8 का आधार 56 होगा। कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? 3D प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर जेट प्रिंटर है, लेकिन डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है, यही इसका आंसर होगा। यह एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए 11x प्लस 90 बटे सॉरी 11 16x होगा, इसमें 16x, एक मिनट फिर से, ये हो जाएगा 16x प्लस 90 बटे 17 बराबर x प्लस 3, 3 बढ़ता है, इसका निकालेंगे तो हमें 42 प्राप्त होगा x का मान, ऑप्शन डी। और श्री धल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4 है और व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 10,000 की बचत करते हैं तो श्री धल का व्यय है, तो इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा श्री धल का व्यय होता है 60,000 रुपये और हुसैन का व्यय 30,000 रुपये। संधि विच्छेद सही अवलोकन करता है, तो प्रत्येक, प्रति प्लस एक सही, नी प्लस सार सही, सदा प्लस एव ये गलत है, सदैव अभ्युदय सही है, मनो मने प्लस वन ये विसर्ग संधि ये भी गलत है, तो यहाँ पर ये गलत है, ई और सी, ई सी गलत, तो ये हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र बराबर के साथ में शुरू होता है, ऑप्शन बी। एमएस ऑफिस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एमएस एक्सेल का है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये जंगल राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व हिस्से में होते हैं, सही है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर, तो यही इसका राइट आंसर होगा, इसमें इतनी वर्षा नहीं होती, और ये ऊंचाई में 9 से 30 मीटर होते हैं। इनका उपयोग फर्नीचर, दरवाजे, चौखट, खिड़की, गृह निर्माण में किया जाता है। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर में पाई जाती है। कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जालौर ज़िले में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, जालौर ज़िले में। फरवरी 2024 में
राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति ली? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया था? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अप्रैल 2024 में किसके कारण सियेरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? जोम्बी मादक द्रव्य के दुरुपयोग के कारण। ऑप्शन ए श्रेष्ठता यानी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठता योजना का संबंध है छात्रों से। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, सही है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर के पास में स्थित है, तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर ज़िले में है। सोम माही जाखम तो उदयपुर के पास में नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी। कौन से रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो ये प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा प्रोहिबिशन उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके अधिकार क्षेत्र में निहित नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं होता। भारत का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया? यूएसए द्वारा किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा बेगूसराय को दिया गया था जो भारत में है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस CDS थे जनरल बिपिन रावत। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। अब हम प्रश्नों पर टिक लगाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है। लोकायुक्त के न्याय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, मुख्यमंत्री नहीं आता। 52वें में रैम को मिटाया जाए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है? कुंजी पटल और माउस, कीबोर्ड और माउस। ऑप्शन सी। अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए ट्री अंकीय संरचना का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रसिद्ध सेला पास कहाँ है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। करेबास एक हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत जिसको निक्षेप कहते हैं वो करेबास कहलाता है। भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो बताना है, तो तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी है, तो ये इसका। आप बेवजह बैठे हैं इसका ट्रांसलेशन होगा फॉर नॉट रीजन यू आर सिटिंग हेयर बी। न्यायिक निर्णय इसका हो जाएगा एडजुडिकेशन
एडजुडिकेशन। फिर इसके बाद में पैराग्राफ है, इसको पढ़ के उत्तर देना है, 61 है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 62 का ऑप्शन डी और 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इंग्लिश के है, और 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड पांडा किस जीव मंडल से संबंधित है, मन्नार की खाड़ी से। दो शहर जहाँ पर जंतर मंतर है, जयपुर और दिल्ली। सासी एक घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सासी जनजाति के बीजा और मावा दो वर्ग है, दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन ए। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन। इसमें मिलान करना है तो मिलान करने के बाद हमें ऑप्शन बी सही प्राप्त होगा, 69 का। ब्लीचिंग पाउडर पेयजल का शोधन, बेकिंग सोडा अम्लनाशक के काम में आता है। इस तरह से पूरे यहाँ पर बहुचैनल टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके सीधा देखना संभव होता है, उसको DTH कहते हैं, जो सबके घरों में होती है। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये पलायन वेग है और अंतरिक्ष में चली जाती है, वापस नहीं आती, ऑप्शन ए। राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी। राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। राजस्थान में खेती के क्षेत्रफल का लगभग 55% है खेती के क्षेत्र का। कौन से शब्द सुंदर के पर्याय शब्द नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी सुंदर के पर्याय नहीं है, रमण और कांत ये सुंदर के पर्याय नहीं है। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय हर्ष शोक, इसमें पहला ऑप्शन सही है दूसरा गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर इंग्लिश से क्वेश्चन है, 77 का ऑप्शन बी होगा, यूरोबी डेंटली, सॉरी ये नहीं होगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, योर्स ओबीडिनेटली। अठहत्तर का हो जाएगा ऑप्शन ए। 81 प्रक्रियात्मक नहीं है, प्रोलॉग। भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कौन सा गठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है, तो नासो NSSO। किसी देश की कुल आय को उसी कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय, क्वेश्चन नंबर 83, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ततालीस में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक थे शिव चंद्र भारती, ऑप्शन बी। अल्लाह जिलाबाई प्रसिद्ध मांड गायिका थी, ऑप्शन बी। राजस्थान का मेला जनजातीय कुंभ बैणेश्वर मेला किसके, यानी कि महाराणा प्रताप सिंह के शासनकाल में तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत हुई थी। संबंध बोधक अव्यय एक प्रकार नहीं है, हेतु हेतुवाचक।
खीर खाए, खीर तैयार करने में आधा किलो लगता है तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। शब्द को क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है इलेक्टोर। रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसको हल करने पर प्राप्त होगा हमें 46। ये भी रीजनिंग से है और इसमें इनको हम चिन्ह चेंज करके हल करते हैं तो 28 प्राप्त होगा। 94 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 56 4। इनमें हम सार्थक अंक निकालते हैं, फ्राइडे हॉलीडे सैटरडे मंडे, तो इसमें हॉलीडे आएगा ऑप्शन सी। यहाँ इसकी व्यवस्था बैठने का क्रम है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यू और आर के बीच। 97 का इसको व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करने के बाद हमें प्राप्त होगा आलू बुखारा का पेड़ आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 ये रीजनिंग का, इसका आंसर ऑप्शन ए प्राप्त होगा। 99 है, इसको हल करने पर हमें परसेंटेज निकालना है इसका, तो 5% आएगा इसका। हमें प्राप्त होगा 100 का 92.80 रुपये। इंग्लिश से है और इसको सही भरा जाएगा फाइंड। 102 का ऑप्शन ए, एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनाउंस टू हिम। क्वेश्चन नंबर 103 ही वाज रिप्रीमेंडेड वाई हिज टीचर फॉर बेटिंग हिज नेल्स। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसको संतुलित बजट कहते हैं। रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक, जो 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक थी, जॉन मेनार्ड केन्स ने लिखी थी ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। बैराट सभ्यता जयपुर में है और इसके दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चौदह में मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया गया और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था, ये महाराणा कुंभा ने किया था। स्वर्ण किला कहते हैं, जैसलमेर में स्थित है। रीजनिंग का है, इसको सही फिट बिठाते हैं तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आएगा 110 का। इनको देखिए तो ऑप्शन बी इसमें आगे सही बैठेगा 111 का। 112 में भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया गया था, राजस्थान में। भारत में साइमन आयोग कब आया था, 1928 में। प्रिय सखाव समास है कर्मधारय समास। उद्यम में उपसर्ग है उत उपसर्ग। वासुदेव में अ प्रत्यय है। मैथ का क्वेश्चन है, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता 200। सिक्कों को पिघलाकर बनाया जा सकता है। फिर ये मैथ का, आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो कितने डिब्बों में बनेगा, तो इसके लिए 32 डिब्बे आएंगे। मैथमेटिक्स का है, यानी कि इसको हटाने पर 16 सही 2/3% की कमी आ जाएगी। 120 में लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है यील्डिंग द फ्लोर के तहत। स्मारकों को, स्थान और कलात्मक वस्तुओं को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया जाता है।
भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना हेतु नाबार्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए आएगा 1982 में। एक जन आधारित संगठन MKS की पहल पर अकाल राहत कार्य और मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में उठाया गया। 6 नवंबर 1953 को जापानी प्रमुख तेजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। ये द्वीप कौन से थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा 125वां ऑप्शन डी, ए डैश खाली छोड़कर के एन। 26 का ऑप्शन डी आएगा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाई पीपल। 27वें में आएगा ऑप्शन सी, आई डिड नॉट रियलाइज दैट आवर कन्वर्जेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। ऑप्शन 28 में आएगा बी, डिस होरिया। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। स्वतंत्रता के समय भारत में 75% लोग आजीविका कृषि थी। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, मछली पालन से। भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही है? ये सारी समस्या आ रही है, ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु है पंजाब, ऑप्शन बी। जवार सागर बांध है, चंबल नदी पर है जवार सागर बांध। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का हिस्सा है, इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसकी वह किला जहाँ पर किशोर महल, महल खास, कोहटी खास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज है, ये लोहागढ़ दुर्ग में है। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट से थे? कुमाऊं रेजिमेंट से थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी से पहले इसका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो ये सही है और ये गलत है। और यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य इसका भी हम आंसर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा को महत्व दिया जाता है 351 में। यहाँ पर ये भी रीजनिंग का है और इसमें सास आएगी निकल करके, और इसका भी आंसर जब हम इसको कूट को बिठाएंगे तो ऑप्शन ए आएगा। यहाँ पर दिशा से संबंधित है, दिशा चल करके आता है तो इसमें विकर्ण निकाला जाता है और 26 किलोमीटर आएगा। मानव का रुधिर वर्ग के जीनोटाइप होते 6 और 2 एक दूसरे के लंबवत दर्पण के बीच पेन को रखा जाता है तो प्रतिबिंब संख्या क्या होगी? प्रतिबिंब संख्या 3 हो जाएगी, ऑप्शन सी। यहाँ पर 46 में पहला कथन सही है, सॉरी इसमें दोनों ही कथन गलत है। 47 में कौन सी असंतृप्त मृदा है? तो इसमें शैल मृदा असंतृप्त है। ताजा पानी की झील है उदय सागर झील। राजा जी टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। और लास्ट क्वेश्चन है, सरिस्का नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तो ये थे हमारे 150 प्रश्न CTET के। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद। CET पेपर 2024 28 सितंबर का है।
फर्स्ट शिफ्ट का है एंड थर्ड पारी का है।